कुछ क्वेश्चन टॉप था, कुछ इजी भी था, कुछ लेवल का था, नहीं सब तो लगभग सिलेबस था। क्वेश्चन पेपर सर बहुत टॉप लेवल का था, जो बीपीएससी का मेन कंपटीशन होता है सिविल सेवा वाला, उस सिविल सेवा स्तर का क्वेश्चन था। इजी टू मॉडरेट कहिए, और कुछ को सेक्शन हार्ड भी था। मैथ का मैं ज़्यादा सेक्शन मैथ से लिया था, और उसके बाद चले जाइए आप फिजिक्स था, मैथ के बाद फिजिक्स आ गया था। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। पूरे बिहार में आज शिक्षक नियुक्ति को लेकर परीक्षा हो रही है, ऐसे में बीपीएससी के द्वारा परीक्षा हो रही है। मेरी मौजूदगी अभी पटना के बाकेपुर बालिका विद्यालय के पास है, जहां पर तमाम अभ्यर्थी एग्जाम देकर निकल रहे। कुछ अभ्यर्थी जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुशवाहा। कहाँ से आए हैं? बेतिया से। कैसा रहा? साधारण था एग्जाम, कुछ क्वेश्चन टॉप था, कुछ इजी भी था, कुछ लेवल का था, साधारण लेवल का। लेवल का? हाँ, साधारण लेवल का था कुछ। कोई दिक्कत परेशानी तो जो टॉप था तो उसमें तो परेशानी तो हुई भी की। क्या परेशानी? क्या सवाल थोड़ा कठिन था, जो आदमी नहीं देख पाया था। सिलेबस से था या फिर? नहीं सब तो लगभग सिलेबस से था। पास हो जाइए? एकदम पास तो होना ही है, मगर कट नहीं थी। मेरिट में क्या हो रहा है इसका कोई ग्रांडर में? स्वभाव लोगों का कैसा? शिक्षक एकदम सब ठीक था, बहुत बढ़िया। अच्छा था। देखिए और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, क्वेश्चन लेवल पूछेंगे। क्वेश्चन लेवल कैसा? क्वेश्चन पेपर सर बहुत टॉप लेवल का था, जो बीपीएससी का मेन कंपटीशन होता है सिविल सेवा वाला, उस सिविल सेवा स्तर का क्वेश्चन था। इसमें हम लोग आकलन कर रहे थे कि 1-5 का एग्जाम हो रहा है, टीचर का एग्जाम हो रहा है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वो कम वाली बात नहीं थी। ये कंपटीशन जो है मेन कंपटीशन, उसके उस स्तर का क्वेश्चन। कट ऑफ जो है इसमें तो समझिए कि मतलब जनरल का समझिए 90% क्या कहते हैं, हाँ 90 तक जो बनाएगा जी, उसमें मैथ ज़्यादा टॉप था जो, हाँ 1-5 लेवल का नहीं था। और इसके बाद जो है करंट अफेयर सब जो था वो भी टॉप लेवल का था, यानी कि सिलेबस से सब कुछ बाहर था। हाँ सिलेबस से कुछ बाहर था। देखिए और भी कुछ अभ्यर्थी, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कैसा रहा पेपर। देखिए लगातार बिहार में जो है बीपीएससी नियुक्ति परीक्षा हो रही है, ऐसे में 2 पालियों में परीक्षा हो रही है। देखा जाए तो 800 से ऊपर सेंटर बनाए गए हैं, और पटना में करीब 40 से ऊपर सेंटर बनाए गए हैं। अभ्यर्थी लगातार परीक्षा देकर निकल रहे हैं, तो वहीं कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं क्वेश्चन लेवल जो है बहुत टफ था, तो कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि क्वेश्चन लेवल जो है वो कहीं ना कहीं ठीक था, सामान्य था। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी कोशिश करेंगे जानने की कि कैसा क्वेश्चन लेवल था। आइए जानते हैं, बात करते हैं। कैसा था क्वेश्चन लेवल? क्वेश्चन लेवल इजी टू मॉडरेट कहिए, और कुछ को सेक्शन हार्ड भी था। सिलेबस से था? सिलेबस से था। टफ कुछ नहीं लगा? टफ लगा, ऐसा तो है ना, सब कुछ सब्जेक्ट था। मैथ का मैं ज़्यादा सेक्शन मैथ से लिया था, और उसके बाद चले जाइए आप फिजिक्स था, मैथ के बाद फिजिक्स आ गया था, उसके बाद जीएस चले जाए, हिस्ट्री सेक्शन में चल जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे करके क्वेश्चन था। क्या लगता है क्या कट ऑफ? 80-90 के अप्रोप्रिएट जाएगा। हाँ में स्वभाव? हाँ हाँ सब सब आदमी का स्वभाव ये था, ठीक, गड़बड़ कोई गड़बड़ी नहीं था अंदर में, कोई गड़बड़ से हाँ गुड बिहेव था, बिहेव गुड था। ठीक है, और भी कुछ अभ्यर्थी, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। धीरे धीरे अभ्यर्थी निकल रहे हैं, ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या आपको हम दिखा रहे, देख सकते हैं किस तरीके से अभ्यर्थी जो हैं वो कहीं ना कहीं लगातार बाहर आ रहे हैं। बाकेपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर सेंटर दिया गया था, अनेक जगहों से अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पहुँचे हैं, तो वहीं एग्जाम देकर लगातार बाहर निकल रहे हैं। अभ्यर्थियों की तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो एसटीईट के, सीटेट के, बीटेट के अभ्यर्थी वो पहुंच रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से परीक्षा हो रही है अभ्यर्थी देने पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से देख सकते हैं परीक्षा दे के अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं क्वेश्चन लेवल ईजी था, कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सिलेबस था, कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सिलेबस से काफ़ी क्वेश्चन बाहर था, मैथ का क्वेश्चन टफ था। वहीं क्या कुछ कट, तमाम अभ्यर्थी आपने सुना है, देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ कट ऑफ जाता है, लेकिन अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है 80-90 कट ऑफ हमारा जाएगा। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।